दोस्तों कहते हैं कि इस दुनिया में लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है और खुद दुखी रहकर दूसरों की खुशी के लिए जीना और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना और भी मुश्किल काम माना जाता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस मुश्किल काम को करते हैं। ऐसी एक इंसान की कहानी को पर्दे पर साकार करने वाली फिल्म है मेरा नाम जोकर, जो कि एक जोकर की मन स्थिति को बेहद ही खूबसूरत ढंग से हमारे सामने रखने का काम करती है। डॉक्टर साहब, मेरा दिल इतना बड़ा। हाँ राजू, दिल बड़ा होना बड़ी खतरनाक बात है। राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। एक बेहतरीन कहानी, कास्ट और संगीत के साथ बनी यह फिल्म आज हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। लेकिन हर कोई जानता है कि अपनी रिलीज के समय इसे लोगों को उतना प्यार नहीं मिला था और यह बेहतरीन फिल्म असफल फिल्मों की सूची में शामिल हो गई थी। आज की इस वीडियो में हम उस असफलता के पीछे कुछ बड़ी वजहों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1964 में, जब फिल्म संगम की बेशुमार सफलता के बाद राज कपूर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि मेरा नाम जोकर पर काम करना शुरू करते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी पर बनने वाली इस फिल्म के लिए राज कपूर ने उस समय के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स को साथ लाने का काम किया, जिनमें धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार और मनोज कुमार जैसे बड़े नाम शामिल थे। राज कपूर इस फिल्म को उसी तरह बनाना चाहते थे जिस तरह की के आसिफ ने अपनी फिल्म मुगले आजम बनाई थी। राज साहब के मन में इस फिल्म को लेकर उसी तरह की शिद्दत और प्यार था और इसलिए वो इस फिल्म में किसी भी तरह की कमी रखना नहीं चाहते थे। अतः इस फिल्म पर हाथ खोलकर पैसा लगाया था और 6 साल बाद जब फिल्म का काम पूरा हुआ तब तक इस फिल्म का बजट 1,20,00,000 रुपए पहुंच गया था, जो कि उस समय एक बड़ी रकम मानी जाती थी। जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई थी तब तक इसकी लंबाई 5 घंटे की थी और इसको राज कपूर ने 3 अलग अलग फिल्मों की तरह शूट किया था। सबसे पहले फिल्म का आखिरी हिस्सा शूट किया गया था और ऋषि कपूर वाले भाग की शूटिंग तक पहुंचते पहुंचते यह फिल्म ओवर बजट हो गई थी, जिसके चलते राज कपूर को अपना घर और स्टूडियो तक गिरवी रखना पड़ा था। एडिटिंग टेबल पर इस फिल्म को 5 घंटे से 4 घंटे 4 मिनट तक लाया गया और जब यह फिल्म सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई तो इसमें 2 मध्यांतर रखे गए थे, शंकर जयकिशन के संगीत और शैली शैलेंद्र व नीरज जी के लिखे गीतों से सजी इस फिल्म को राज कपूर की जिंदगी पर आधारित फिल्म के तौर पर शुरू से ही प्रमोट किया गया था। 1,20,00,000 रुपए के भारी भरकम बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सभी के उम्मीदों के विपरीत जाकर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और इस सफलता ने राज कपूर को बहुत बड़े आर्थिक संकट में डाल दिया था। कहा जाता है कि उस समय राज कपूर को 80,00,000 रुपए का भारी भरकम घाटा हुआ था। अब बात करें इस फिल्म की असफलताओं के कुछ कारणों पर, तो इसकी असफलता का सबसे पहला कारण इस फिल्म की लंबाई थी, जो कि आम बॉलीवुड फिल्मों की लेंथ से बहुत ज्यादा थी और फिल्म देखते समय 2-2 इंटरवल्स वाली बात भी इस फिल्म की असफलता का एक बड़ा कारण बनकर सामने आई। लोगों ने जब फिल्म का नाम सुना तो उन्हें लगा कि यह फिल्म शायद कॉमेडी फिल्म होगी, इसलिए सभी लोग इसको एक अलग ही सोच के साथ देखने गए और जब उन्होंने फिल्म को देखा तो उनकी सभी आशाएं धरी की धरी रह गईं। अगर आपने यह फिल्म देखी हो तो आपको यह जरूर महसूस होगा कि इस फिल्म की कहानी अपने समय से बहुत ही एडवांस थी और इस फिल्म में जिस तरह एक जोकर की मन स्थिति को दिखाया गया था उसे 70 के दशक में लोग समझ नहीं पाए और यह भी फिल्म की असफलताओं में एक बड़ा कारण साबित हुआ था। लोगों का इस फिल्म की कहानी से कनेक्ट न कर पाना और उस पर फिल्म में दिखाए गए कुछ दृश्यों ने भी लोगों को फिल्म से दूर कर दिया था, क्योंकि ये वो समय था जब लोग पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने जाते थे। लेकिन इस फिल्म में दिखाए गए चुम्बन दृश्य, एक लड़के का अपने टीचर के साथ प्रेम प्रसंग वाला एंगल अपने परिवार के साथ लोग बैठकर नहीं देख सकते थे। इन सब के अलावा इस फिल्म का बजट भी असफलता का एक बड़ा कारण साबित हुआ था, क्योंकि उस दौर में टिकट की कीमत उतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी जितनी की आज देखी जा सकती है। यही वजह थी कि 3-4 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए की एक टिकट से 1,20,00,000 रुपए की भारी भरकम रकम वसूल कर पाना फिल्म के लिए बेहद ही मुश्किल हो गया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई थी। अगला जो कारण फिल्म मेरा नाम जोकर की असफलता के पीछे रहा वो ये था कि उस समय फिल्म को आज की तरह बड़े पैमाने पर प्रमोट नहीं
किया गया था। पोस्टर और स्क्रीन किसी तरह फिल्म के प्रमोशन का एक बड़ा जरिया हुआ करते थे। ऐसे में लोगों के मुंह से फिल्म की प्रशंसा सफलता का स्तर तय करती थी। लोगों ने अगर किसी फिल्म को पसंद कर लिया तो वो दूसरे लोगों को उस फिल्म के बारे में बताते थे, जिससे एक बड़ी भीड़ उस फिल्म को देखने पहुंच जाती थी। लेकिन फिल्म मेरा नाम जोकर के साथ ऐसा नहीं हुआ था। फिल्म की लंबाई और बाकी खामियों ने इस फिल्म से जुड़ी लोगों की सभी आशाओं को खत्म कर दिया था, जिससे लोगों का नजरिया भी इस फिल्म को बिना देखे ही बदल गया था। तो इन सब कारणों के चलते भारतीय सिनेमा की यह महान फिल्म अपनी रिलीज के समय असफल हो गई थी। लेकिन आज ये फिल्म कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल कर चुकी है। राज कपूर की दूरदर्शिता और शानदार अभिनय से सजी इस फिल्म को आज हर उम्र के लोग देखना पसंद करते हैं। आज IMDb पर इस फिल्म को मिली 7.9 की रेटिंग यह बताती है कि यह फिल्म नई जनरेशन के बीच भी काफी लोकप्रिय है। साल 1972 में इस फिल्म को दूसरे देशों में भी रिलीज किया गया था, जिनमें मुख्य रूप से सोवियत यूनियन का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां के लोगों के लिए उस समय बॉलीवुड का मतलब ही राज कपूर थे। ऐसे में तय था कि वहां इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। साल 1972 में इस फिल्म को भारत में मिली असफलता को देखते हुए सोवियत यूनियन में 4 घंटे की फिल्म को एक साथ प्रदर्शित न करते हुए 3 अलग अलग भागों में वहां के 3 अलग अलग स्थानों पर रिलीज किया गया था। क्रिटिक्स के द्वारा मिले जुले रिव्यूज के बावजूद भी इस फिल्म ने सोवियत यूनियन के लोगों का भरपूर प्यार पाया और वहां इस फिल्म को देखने 7 मिलियन लोग पहुंचे थे, जिससे उस समय सोवियत यूनियन में फिल्म ने 16 करोड़ रुपए कमाए थे। कहा जाता है कि राज कपूर इस फिल्म का सीक्वल भी बनाना चाहते थे, लेकिन भारत में मिली असफलता के चलते ऐसा नहीं हो पाया था। साल 1980 में भारत के कई भागों में भी इस फिल्म को 3 अलग अलग पार्ट्स के रूप में रिलीज किया गया था और इस बार फिल्म ने पहले से अच्छा प्रदर्शन किया। आज यह फिल्म राज कपूर की सबसे बड़ी और शानदार फिल्मों की फहरिस्त में शामिल की जाती है। साल 1971 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म के लिए राज कपूर को बेस्ट डायरेक्टर, शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, मन्ना डे को ए भाई जरा देख के चलो गीत के लिए बेस्ट सिंगर और बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए अलाउद्दीन खान कुरैशी को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही 18वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में भी इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, मन्ना डे को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के लिए राधु कर्माकर को भी अवार्ड दिए गए थे। यहां आपको बताते चलें कि राधु कर्माकर को अपने काम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। फिल्म मेरा नाम जोकर, जो शोमैन राज कपूर की अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म थी, वो असफल जरूर हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी राज कपूर का सम्मान और उनकी शख्सियत को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इस फिल्म की नाकामयाबी के चलते उन्होंने अपने घर को नीलाम होते हुए देखा था और कुछ समय के लिए शराब के नशे में भी डूब गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका स्थान भारतीय सिनेमा में मेरा नाम जोकर के बाद भी सबसे ऊपर ही था और वो असफलता के बाद भी किसी भी बड़े स्टार या सुपरस्टार की फिल्म में अपनी शर्तों पर काम करके अपने सारे ऋण चुका सकते थे। लेकिन उन्होंने किसी और की मदद से आगे बढ़ने के बजाय अपने दम पर फिर से खड़े होने का निर्णय किया और एक और फिल्म बनाना शुरू किया, जिसमें वो अपने बेटे को एक हीरो के रूप में लॉन्च करने वाले थे। इस फिल्म का नाम रखा गया बॉबी, जिसे राज कपूर ने एक नई टीम के साथ बनाया था। शंकर जयकिशन की जगह अब राज कपूर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को इस फिल्म का संगीत तैयार करने की जिम्मेवारी दी। साथ ही शैलेंद्र के निधन हो जाने के बाद राज कपूर ने इस फिल्म के गीत लिखने का जिम्मा आनंद बख्शी को सौंप दिया। इस नई टीम ने भी राज कपूर को निराश नहीं किया और बेहतरीन संगीत से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मेरा नाम जोकर की सारी कसर पूरी कर दी थी। इस फिल्म के चलते न सिर्फ राज कपूर ने अपने सारे ऋण चुका दिए थे, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक नया घर भी खरीद लिया था। राज कपूर ने आगे भी हिंदी सिनेमा को कुछ बेहतरीन फिल्मों से नवाजा और काम करते करते ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन मेरा नाम जोकर की असफलता से उठी टीस उनके मन में ताउम्र रही, क्योंकि अपने जीवन काल में अपनी इस फिल्म को कल्ट क्लासिक बनते हुए वो नहीं देख पाए थे। राज कपूर से जब ये पूछा जाता था कि मेरा नाम जोकर ही उन्हें अपनी सभी फिल्मों में से सबसे पसंदीदा फिल्म क्यों है, तो उनका कहना था कि वैसे तो एक बाप के कई बेटे होते हैं, लेकिन जिस बेटे में कोई कमी रह जाए उसके लिए अपनापन बाप के मन में हमेशा बाकी बेटों से ज्यादा ही रहता है, और मेरा नाम जोकर उनका वही बेटा था। साल 2017 में जब RK स्टूडियो में आग लगी तो उसमें इस फिल्म की बहुत सी चीजें भी जलकर खाक हो गई थी, जिनमें जोकर वाला गुड्डा भी शामिल था। तो ये थी कल्ट क्लासिक फिल्म मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के कारणों पर हमारा एक विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है कि आप
आपको यह वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।